आज मेरी मां जब देखेगी उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी मां को लेकर बातें जरूर करते हैं, और जब भी वो गुजरात जाते हैं या फिर कोई विशेष दिन होता है तो वो मां से मिलने के लिए जरूर घर जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। पीएम मोदी की जब भी उनके मां के साथ तस्वीर आती है, लोग उस पर दिल खोलकर प्यार भी लुटाते हैं। ऐसे में जन्मदिन का मौका हो और पीएम मोदी मां से मिलने ना जा पाए तो उन्हें भी इस बात का मलाल जरूर रह जाता है। इसीलिए वो पूरे देश के सामने माँ का जिक्र करते हुए कहते हैं कि आज के दिन आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है माँ के पास जाऊं और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लूं, लेकिन आज मैं माँ के पास नहीं जा सका। पीएम मोदी ने जैसे ही ये बात मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में कही, वो ये बोलते हुए पूरी तरीके से भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गई, जो ये बताता है कि जन्मदिन पर माँ से ना मिल पाने का उन्हें कितना मलाल है। तो आम तौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं, लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के अन्य समाज के गांव गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं, ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। तो सुना आपने किस तरीके से देश के प्रधान सेवक अपनी मां को याद कर भावुक हुए और जन्मदिन पर उनसे ना मिल पाने का उन्हें कितना मलाल है, ये भी आपने देखा। वहीं पीएम के इस बात पर लोगों ने भी अपनी राय रखी। जैसे एक यूजर ने लिखा, जन्मदिन पर मेरा प्रयास रहता है कि अपनी मां के पास जाऊं और चरण छूकर आशीर्वाद लूं, लेकिन अपने जन्मदिन पर मां के पास नहीं जा पाया, आज श्योपुर की माताओं के पास आए प्रधानमंत्री, वाह। एक और यूजर ने लिखा, आज मां के पास नहीं जा पाया, पीएम मोदी ने यह बोलकर दिल जीत लिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2022 को 72 साल के हो गए। इस मौके पर वो मध्य प्रदेश के श्योपुर के कराहल पहुंचे, जहां क्रूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए 8 चीतों को छोड़ने के बाद पीएम मोदी ने आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाओं को संबोधित किया। इसी दौरान वो अपनी मां का जिक्र कर भावुक हो उठे। सुनिए पीएम मोदी ने इस भाषण में अपनी मां के लिए और क्या कुछ कहा है। तो आम तौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं, लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के अन्य समाज के गांव गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं, ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। अब इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें बेटियां, ये आपका आशीर्वाद हम सबके लिए
बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, मोटिवेशन है। और मेरे लिए तो देश की माताएं बहनें, देश की बेटियां, वो मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। शक्ति का स्रोत है, मेरी प्रेरणा है। इतनी बड़ी विशाल संख्या में आए भाई बहन, आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है। आज विश्वकर्मा पूजा भी हो रही है। विश्वकर्मा जयंती पर स्वयं सहायता समूहों का इतना बड़ा सम्मेलन अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता के रूप में मैं देखता हूं। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। अब से कुछ देर पहले मुझे कुनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने का सौभाग्य मिला। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, करूं आग्रह, आप जवाब दे तो करूं, आग्रह करूं, आग्रह करूं सबको, ये मंच वालों को भी आग्रह करूं, सबका कहना है कि मैं आग्रह करूं, आज इस मैदान से हम पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं। आज जब 8 चीते 75 साल करीब करीब उसके बाद हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं, दूर अफ्रीका से आए हैं, लंबी सफर करके आए हैं, हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं, इन मेहमानों के सम्मान में मैं एक काम कहता हूं, करोगे? इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें, जोर से ताली बजाएं।